गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। बेनीपुरी जी का जन्म मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव बेनीपुर में हुआ और इसीलिए वे अपने नाम के आगे जो है बेनीपुर लगाया करते थे। इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसी कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधिक नहीं हो पाई थी। 1920 में बेनीपुरी जी गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। गांधी जी के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। इनके साहित्य के बारे में जानते हैं। बेनीपुरी जी आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने कई कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि गद्य साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अम्रपाली, जो एक नाटक है, माटी की सूरत, ये एक रेखा चित्र है, चिता के फूल एक कहानी है, और पैरों में पंख लगाकर उनका एक यात्रा वृतांत है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जैसे बालक, युवा, योगी, नई धारा, जनवाणी, जनता आदि कई पत्र पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा शैली सरल और सहज थी और चित्रात्मक थी, जिसमें पाठकों की रुचि बनी रहती थी। इनकी इसी विशिष्ट शैली के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 1968 में हुई थी। चलिए हम लोग बाल गोविंद भगत, उनकी जो प्रसिद्ध रचना है, उसके बारे में जानते हैं। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है, जिसमें लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन किया है जो थे तो गृहस्थ पर उनमें साधुओं के सारे गुण विद्यमान थे। उनका पहनावा, आचार, विचार, व्यवहार सभी साधुओं के से थे और वे कबीर दास जी को अपना साहेब यानी ईश्वर मानते थे। उन्हीं की तरह आचरण करते थे, यानी वे सबसे खरा व्यवहार करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की वस्तुओं को बिना पूछे छूते नहीं थे, इस्तेमाल में नहीं लाते थे और कभी भी किसी की चीज को लेते नहीं थे। बाल गोविंद भगत जो है, उनकी उम्र 60 वर्ष से कुछ अधिक की रही होगी। वे मझोले कद के थे, गोरे चिट्टे थे, उनके बाल जो है, सिर के बाल जो है, वो सफ़ेद हो गए थे और इसी वजह से उनका चेहरा दमकता था, उनके चेहरे पर एक नूर था। माथे पर वे राम नंदी चंदन का टीका लगाते थे, गले में तुलसी की माला थी, सफ़ेद धोती पहनते थे। हाँ,
जाड़े के दिनों में ठंड के समय में वे एक कंबल ओढ़ा करते थे। लेखक बताते हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। उनका एक बेटा था, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि उनका बेटा जो है थोड़ा सुस्त था, बोधा था, मानसिक रूप से विकसित नहीं था। इसीलिए वे अपने बेटे का बड़ा ख्याल रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। उनका मकान था, खेती बाड़ी थी। उन्होंने अपने बेटे का विवाह कर दिया था, एक पुतहू भी थी। जो घर गृहस्थी के को जो है बहुत अच्छे से संभाल कर रखी थी, और बाल गोविंद भगत जो है घर गृहस्थी से वो एकदम निश्चिंत थे, क्योंकि पत्नी की मृत्यु के बाद सारा भार उन पर आ गया था। जब उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया तो वो इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए और अपना ज़्यादा समय वो ईश्वर भक्ति में लगाने लगे। लेखक का कहना है कि बाल गोविंद भगत जो थे तो गृहस्थ, पर उनमें साधुओं के सारे गुण विद्यमान थे। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति की महानता उसके आचार विचार द्वारा तय होती है। कई बार गेरुए वस्त्र पहनने के बाद भी व्यक्ति साधु नहीं होता, यानी वो सन्यासी बन जाता है लेकिन मन से सन्यासी नहीं होता है। मोह, माया और सांसारिकता में वह उलझा रहता है, उसे त्याग नहीं सकता। लेकिन बाल गोविंद भगत थे गृहस्थ, घर था, परिवार था, खेती बाड़ी थी, सब कुछ था, लेकिन वे मन से सांसारिक मोहमाया नहीं थी, किसी से भी किसी भी चीज़ का उनको लालच नहीं था, किसी वस्तु से उन्हें मोहमाया नहीं थी। वे केवल अपना काम करते और ईश्वर की भक्ति करते थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो मन से साधु थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेतों में काम करते, अनाज उगाते, और जो कुछ भी उनके खेतों में उपजता उसे सबसे पहले कबीर मठ, जो उनके घर के पास ही था, वहाँ पर वो सारे अनाज को अपने सिर पर लाद कर ले जाते और वहाँ पर कबीर दास जी को भेंट स्वरूप चढ़ा देते थे। और उस मठ से जो प्रसाद के रूप में उनको प्राप्त होता था, उसी अनाज से वे अपना गुजर बसर करते थे। ठीक है, तो लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है वो एक गृहस्थ साधु दोनों थे। उनके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा थी और वे अपना कार्य करते हुए नियम के वो पूरे पक्के थे। ठीक है, समय पर सुबह शाम जो है वो ईश्वर के भजन गाया करते थे। उनकी जो दिनचर्या थी वो एकदम निश्चिंत थी। लोगों को कभी कभी हैरत होती है कि वो इस तरह से सख्ती के साथ किस तरह से अपनी दिनचर्या का पालन किया करते हैं। जब गांव के लोग सुबह सवेरे उठते तो उस समय भी उन्हें बाल गोविंद भगत के भजन सुनाई देते। बाल गोविंद भगत सुबह भोर में उठ जाते और स्नान करने के उपरांत गांव के बीच चबूतरे पर जाकर बैठ जाते और वहाँ पर से जो है वो कबीर दास जी के भजन गाया करते थे। संध्या के समय में भी जो है
वो कबीरदास जी के भजन गाया करते थे। यहाँ तक कि जब वो अपने खेतों में काम करते हैं उस समय भी वे ईश्वर के भजन गाया करते थे। उनका कोई ऐसा समय नहीं होता था जब वे ईश्वर का स्मरण नहीं करते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस कक्षा में यहीं तक। आगे का हम लोग देखेंगे बाल गोविंद भगत जी के संगीत के बारे में, उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।